सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभु। तो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है जयपुर, और जयपुर से लगभग और 300 किलोमीटर है आगे आगरा। तो यहाँ से अपन सीधे चलेंगे जयपुर की तरफ, पहले बाईपास ले लेंगे आगे से। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड, वाइजर में शायद कुछ ये आ गया है। वैसे मैंने साफ तो किया था, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा सा गूगला गूगला सा हो रहा है। ये रहा मेहरानगढ़, अभी हमारे गेस्ट आ रहे हैं स्पेशल मुंबई से, उनको लेके जाएंगे अक्टूबर में। ओहो, सामने देख रहे हो, सनराइज देख रहे हो, बहुत तगड़ा व्यू आएगा देखना। अभी अरे आया नहीं, आगे वाले बैंड से होगा। यहाँ से देखो, दिख रहा है व्यू अल्टीमेट। आज जोधपुर का सूर्योदय देख रहे हैं, कल आगरा में देखेंगे। फोन होल्डर जो है ना मैप के लिए, वो आई थिंक यहाँ होता है ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे नज़रें सीधी ऐसे जाती है ना। तो आगे ऊपर लगाएंगे यार इसको, अब ऐसे रोड पर चलाने का मज़ा आएगा। अभी स्पीड लगा लेंगे, बट फिर भी मैं 60 और 80 के बाहर नहीं निकलूँगा, ये आइडियल स्पीड सही है, इससे ज़्यादा नहीं चलानी। और बार बार अपने को ये रिमाइंड करा देते हैं, धीरे चले, सुरक्षित चले, बिल्कुल धन्यवाद। एक और मुझे देखना पड़ेगा गाड़ी के अंदर कि पानी का बोतल लगाने का कुछ एक सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। इस राइड से एक काम तो अच्छा हो जाएगा, जो भी कमी पैसी है ना वो पता लग जाएगी, क्योंकि आगे लंबी राइड होने वाली है केदारनाथ की। यार ये समस्या है, अब नाक में खुजली हो रही है, अब यार वो कैसे करूँ मैं गियर्स पहने हुए तो कोशिश करता है। हाँ चलो, काम बन गया, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा जो स्किन टच है इससे खुजली मिट जाएगी हमारी नाक की। अब आज की कैपेसिटी पे मुझे ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं केदारनाथ जा रहा हूँ ना, तो जोधपुर से ऋषिकेश लगभग 800 किलोमीटर है, और आज जो जा रहा हूँ जोधपुर से आगरा, ये है 600 किलोमीटर तब, और मैं निकला हूँ 6:30 बजे। तो आज कितने बजे तक मैं ये 600 किलोमीटर निकालता हूँ, उसके हिसाब से मुझे केदारनाथ राइड प्लान करनी पड़ेगी। क्या जल्दी निकलना पड़ेगा या एक बीच में कोई हॉल्ट लेना पड़ेगा? पर इसके मिरर मुझे ठीक नहीं लग रहा यार, ये मिरर मुझे चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले से तो पीछे दिख रहा है, इस वाले से कुछ नहीं दिख रहा, ये तो इस वाले से कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे पीछे। इधर चला जाता है, अपने को तो ब्यावर के अंदर जाना है नहीं यार, क्या करें, यहाँ पर ये आया हुआ है, यहीं रुके क्या, यहीं रुकते हैं थोड़ा। थोड़ा यहीं रुक जाते हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। कौन सा है? अच्छा ये तो नाम ही है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ओह ये शायद ब्यावर के लिए इधर से जाता रास्ता, और आगे भी होगा, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। फाइनली 8:45 हो रहा है, और मैं ब्यावर हाईवे पे हूँ, अभी ब्यावर पहुँच गया। सही चला है, सुबह 6:30 बजे निकला था, सवा दो घंटे में लगभग 160 किलोमीटर चल लिया, सही चल लिया, सवा दो घंटे में। आलू का पराठा तो काफ़ी हैवी हो गया यहाँ। चलिए फिर चलते फाइनल डेमो। चलिए चलते हैं, अभी हो रहा 9:34। कुछ भूले तो नहीं, फ़ोन एक लगा हुआ है यहाँ पर, बात तो सेम ही थी यार। जयपुर हाईवे, जयपुर नहीं नहीं हमारे हम तो नहीं है। जयपुर हाईवे कहाँ से पकड़ना है?
ये जयपुर हाईवे है क्या सीधा? ठीक, जयपुर हाईवे यही है। तो यार ये पगला गया, घुमा दिया मुझे वहाँ से घूम के। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, ये तो घूम घूम के पता नहीं। ये गूगल मतलब तो और ज़्यादा परेशान कर रही है यार। ये सीधा हाईवे जाता है अजमेर, और अजमेर से सीधा निकलेंगे जयपुर। ये कह रहा है कि नहीं आप इधर से जाओ, अभी ऑलमोस्ट अजमेर एंटर करने वाले हैं। हाँ तो जो भी एक बार ढाबा आएगा थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे। चलो श्री कृष्णा, चाय वाय पी लेते हैं यार। यहाँ पर चाय मिल जाएगी, चाय एक चाय दो, बढ़िया। किशनगढ़ क्रॉस कर दिया है, मैं किशनगढ़ वाला एक ही है। अब यहाँ से 112 किलोमीटर बचा है जयपुर। जयपुर के अंदर तो घुसेंगे नहीं, जयपुर से 10-15 किलोमीटर पहले से एक राउंड निकलता है, वो लेके सीधा आगरा हाईवे पकड़ लेंगे। यार वो वाला जो मेरा था ना कपड़ा सर पे लगाने वाला, जब आ रहे थे आधी क्लास से तो किसी छोटे बच्चे के हाथ में चोट लग गई थी, तो मैंने उनको दे दिया था, तो वो फाड़ के उनके हाथ पर बांध दिया था। उसके बाद में ख़रीदा भी नहीं मैंने। हाँ कोई ना, आराम से एक बढ़िया थोड़ी कड़क बनाना चाहिए, कड़क चाय पियेंगे तभी थोड़ी जान में जान आएगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट जब किया था तो ब्रेकफास्ट करते टाइम दही भी ले लिया था साथ में, तो दही खाने से आपको पता है वो आ जाती है। भैया ने तो सीधा यूट्यूब का चैनल खोल के दिखा दिया मुझे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं भाई ने, कुछ नहीं पूछा सीधा खोल के दिखा दिया। क्या नाम भी है आपका? सिकंदर। सिकंदर, अभी अपन कहाँ पर है? किशनगढ़। ये किशनगढ़ी कहलाता है ना। अभी चलते हैं श्री कृष्ण ढाबा। यहाँ पर एक अपने नए सब्सक्राइबर बना दिया मैंने। चलो भाई जय माता दी। गाड़ी चलाते हैं तब ठीक रहता है, गर्मी नहीं लगती, अदरवाइज वो जैकेट के अंदर इतनी गर्मी लगती है ना। सुबह सुबह का टाइम ठीक था, 6.8 पे भरवा देते हैं पेट्रोल, एवरेज बहुत कम दिया यार। चलो फिर कर दो फुल कर दो। किस नाम से बना दिया चैनल? रविंद्र सोलंग के नाम से। इंस्टा पे सब पे मैं मैसेज किया। यार तो टू व्हीलर के लिए भी ढंग का रास्ता बना दो यार, हम टोल नहीं देते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि रास्ता भी नहीं दोगे, थोड़ा तो ढंग का दो चौड़ा, इतने समय गिर गए तो। हाँ जहाँ से चला गया जयपुर के लिए अंदर, अपन सीधा बाईपास निकल लेंगे। बाद सीधा आगरा है, क्योंकि उसके बाद लगभग 60-62 किलोमीटर ही बचा हुआ है। पहले बैटरी डिस्चार्ज थी, अब मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया। तो अभी मैं चाय पी के सीधा आपको आगरा में ही मिलता हूँ, क्योंकि तो मेमोरी कार्ड जब तक कॉपी नहीं करूँगा मैं इसको रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। पता नहीं शायद मैं फॉर्मेट मारना भूल गया या डेटा इतना इकट्ठा हो गया। चलो तो अभी सीधा आगरा में मिलता है। फाइनली 7 बज रहे और मैं पहुँच गया हूँ आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे हूँ। अभी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको पिक करके फिर से जाऊँगा होटल। होटल अभी मैंने आके बुक किया है, आगरा क्लासिक ऐसा कुछ करके है नाम, मैं डाल दूँगा स्टोरी में। आधा घंटा तो जाने में लगेगा, और अभी ट्रेन लेट चल रही है तो उनको आने में टाइम लग जाएगा। जैकेट और पहना हुआ, गर्मी ना भयंकर हालत ख़राब कर दी है। टाइम पर मैंने कर दिया, बट लास्ट का जो पैस था निकल का अंधेरा होने के बाद बड़ी हालत ख़राब हो गई। और एंड्रॉयड के अंदर मैंने गूगल मैप लगाया, इतना सिटी के अंदर से लेके आया ना। अब होटल जाके चेक करूँगा रास्ता यही था कोई और था। अभी मिलता हूँ सीधा आपको होटल के अंदर। फाइनली जैकेट को सूखने के लिए डाल दिया है सर, राइडिंग गियर सब सूख रहे हैं और डेटा हो रहा है अपना कॉपी,
9:40 हो रहे हैं, मैं होटल पहुंच चुका हूं, मैं बहुत लेट हो गया। तो ये वीडियो यही एंड करता है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ मैं, तो कल का प्लान अभी डिसाइड नहीं है, अभी बैठ के सोचूंगा कल करना क्या है। एक तो ताजमहल जाने जाना है, ताजमहल के बाद में हम जाएंगे आगरा फोर्ट, उसके बाद में देखेंगे अगर टाइम रह गया तो हम निकल लेंगे आगे मथुरा के लिए, नहीं तो फिर हो सकता है एक नाइट और स्टे करें यहाँ पर। कल का प्लान कल सुबह पता लगेगा, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।